नोकिया ने आज मुझे सही में सरप्राइज कर दिया। जी हाँ, उसकी प्राइस से नोकिया 6.1 प्लस या फिर नोकिया X6 जो है, इसकी प्राइस मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। क्यों प्रतीक? बिल्कुल नहीं, प्राइस एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। हमने सोचा था कि 18.5-19 या 20 हजार तक होगा, लेकिन आया 16 हजार में। 15,999 प्राइस रख दी और क्रिएट कर दिया इन्होंने कॉम्पिटिशन Redmi Note 5 Pro को, Mi A2 को, और 15,16-17 हजार में जो भी फोन्स हैं उसको। जी हाँ, नोकिया 6.1 प्लस जो है एक अच्छा फोन है मेरे हिसाब से। मैं बताता हूं आपको क्यों। सबसे पहले कह दूं, इसका जो लुक है दोस्तों बहुत ही अच्छा है। नोकिया इज ऑलवेज नोन फॉर इट्स बिल्ड क्वालिटी, और वैसे ही नोकिया 6.1 प्लस जो है दिखने को अच्छा है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, फ्रंट और बैक कर्व्ड ग्लास आता है, बढ़िया है। दूसरी बात, इसकी जो स्क्रीन है दोस्तों वो है 5.8 इंच की स्क्रीन, 19:9 एस्पेक्ट रेशियो है, नॉच डिस्प्ले है, गुड स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है। इसकी वजह से ओवरऑल जो फॉर्म फैक्टर है इस फोन का वो छोटा है। इसका मतलब आप अगर बड़े स्क्रीन के फैन नहीं होंगे तो ये वाला फोन आपके लिए परफेक्ट है मिड रेंज में। फ्रंट और बैक दोनों भी तरफ ग्लास डिजाइन है और आता है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन। और एक बड़ा एडवांटेज, अगर आपको Redmi Note 5 Pro नहीं लेना है तो जी हाँ, Android 1 पे आता है ये। इसका मतलब आपको Android Pie मिलेगा इसके ऊपर जब भी अपडेट आएगा, लेकिन Android 1 है, नो ब्लोटवेयर्स एट ऑल। बढ़ते हैं स्पेसिफिकेशंस की तरफ। स्पेसिफिकेशंस भी अच्छे हैं, मिड रेंज का फोन है। Qualcomm Snapdragon 636 का प्रोसेसर आता है जो मुझे लगता है बहुत अच्छा है। 4GB की रैम, 64GB स्टोरेज है, हाइब्रिड सिम स्लॉट है, डुअल 4G वोल्टी को भी सपोर्ट करता है। और एक एडवांटेज बड़ा जो Redmi Note 5 Pro में नहीं है, और वो है USB Type C पोर्ट, क्विक चार्ज 3.0 के साथ आता है। इसका मतलब फास्ट चार्जिंग भी है। दोस्तों अगर अभी तक आपको स्पेसिफिकेशन अच्छे लगे हैं तो एक लाइक कर दीजिए, हमें भी पता चले कि जैसे मुझे लगता है नोकिया 6.1 प्लस के बारे में आपको भी वही लगता है। बैटरी थोड़ी ज्यादा देते थे तो अच्छी हो जाती थी। 3060mAh की बैटरी है, फास्ट चार्जिंग है, लेकिन नोकिया ने एटलीस्ट 3,500 तक बैटरी देनी चाहिए थी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं कैमरा की तरफ। जी हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, आजकल सभी लोग सेल्फी निकालते हैं, और यस इट इज अ वेरी गुड सेल्फी कैमरा। 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा आता है, एपरेचर है F2.0। अगर रेयर के कैमरा के पास देखेंगे तो आपको आएगा 16 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल F2.2 F2.4। अगर आप डे लाइट में फोटो निकालोगे रेयर कैमरा के साथ तो अच्छे आएंगे, लो लाइट में शायद इतने खास नहीं आए, लेकिन इसका जो फ्रंट कैमरा है वो अच्छा है, F2.0 लो लाइट में भी ठीक ठाक फोटो निकालेगा। साथ में इसमें सभी आता है, ब्यूटी मोड, पोर्ट्रेट मोड, जी हाँ AI असिस्टेड फोटोज भी निकाल सकते हैं आप इसके साथ। तो ओवरऑल डिसेंट कैमरा मैं कहूंगा। नोकिया ने अभी तक हमें रिव्यू यूनिट नहीं भेजा है, जब भी भेजेंगे तो जरूर आपको कंप्लीट कैमरा कंपैरिजन करके दिखाएंगे या फिर कैमरा का रिव्यू करके दिखाएंगे। और दोस्तों कैमरा का एक फीचर नोकिया फोन्स में मुझे बहुत पसंद है और वो है बोथी। जी हाँ, एक ही टाइम पे फ्रंट और बैक कैमरा दोनों भी इस्तेमाल कर पाओगे। तो आप व्लॉगर वगैरह हो या फिर ऐसे आपको फ्रंट और बैक के बहुत सारे वीडियोज निकालते हो तो आपको ये बहुत पसंद आएगा फीचर बोथी। और हाँ दोस्तों, Mi A2 के जैसे 3.5mm जैक गायब नहीं कर दिया है, नोकिया 6.1 प्लस में है 3.5mm जैक। एंड फाइनली दोस्तों, आप इसे बाय कर सकोगे फ्लिपकार्ट के ऊपर से August 31st से। मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, अगर नोकिया के ऑनलाइन स्टोर से बाय करना है उधर भी आप बाय कर पाओगे। जैसे मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में कहा दोस्तों, आई हैव लाइक, मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि रियली वैल्यू फॉर मनी है, लेकिन जो प्राइस रखी है ठीक ठाक है, अच्छी प्राइस है, और नोकिया का ब्रांड है। आज भी बहुत सारे लोग इंडिया में नोकिया के फैंस हैं और उनके लिए मुझे लगता है नोकिया 6.1 प्लस इज अ ग्रेट फोन, यू शुड लुक एट इट, आई विल रिकमेंड इट। चलिए दोस्तों, अगर आपको नोकिया 6.1 प्लस या फिर नोकिया X6 जो भी आप बोलना चाहें उसके बारे में कोई भी सवाल है तो जरूर हमें कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, क्विक वीडियो था, अच्छा लगा, लाइक करना मत भूलिए। अभी तक सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो वो भी कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक।